अब हम लोग आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे. तो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी हुज डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2:1. मतलब कि एक कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और उसके बाद जो उनका रेशियो क्या है 2:1, ठीक है. तो इन ट्रांजैक्शन का उस रेशियो के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा हमें वो बताना है. मतलब उसका रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन. मतलब कि उस कंपनी ने क्या करा, फिक्स एसेट खरीदी. मतलब हमारा रेशियो क्या है, पहले हम ये देखते हैं. रेशियो है डेट ओवर इक्विटी. तो रेशियो के अंदर अगर हम फिक्स एसेट को खरीदेंगे तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आएगा. ये तो डेट है लाइबिलिटी, तो फिक्स एसेट तो बढ़ी नहीं, और ये इक्विटी है तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा. क्योंकि हमारी अगर फिक्स एसेट बढ़ेंगी तो हमारी एसेट साइड पे इंक्रीज होगा, ना कि हमारी लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है. तो फिर फिक्स एसेट के बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. फिर देखा हमने कि हमने एक लॉन्ग टर्म लोन लेके खरीदी अपनी एसेट. मतलब कि हमने एक लोन लेके खरीदी एसेट, तो इसमें क्या होगा कि हमारे डेट जो है, अब ये लोन कैसा लॉन्ग टर्म है ना, और डेट कैसे होते हैं लॉन्ग टर्म लोन, तो हमारे यहाँ पे डेट भी बढ़ जाएंगे. तो अगर ऊपर वाला बढ़ रहा है, अभी मान लिया मेरा रेशियो क्या है 200/100, ठीक है. अब मैंने एसेट खरीदी कितनी की, 50 रुपये की. कितनी खरीदी, 50 रुपये की एसेट खरीदी है. तो मैं कितना ऐड कर दूंगा इसके अंदर, 50 ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ पे मेरे डेट बढ़ेंगे. क्योंकि मैंने ये किससे खरीदी, लोन लेके खरीदी है. लोन लेके खरीदूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, अगर मैं लोन लेके खरीदूंगा तो मेरे डेट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है. तो मैं अपने डेट में ऐड कर दिया, ये ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 250/100. अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या है, 2.5:1. मतलब कि मेरा रेशियो क्या होगा, ये यहाँ पे इंक्रीज. सेकेंड है सेल ऑफ फिक्स एसेट एट अ लॉस ऑफ 5,000. मतलब कि हमने अपनी फिक्स एसेट को बेच दी. अब अगर फिक्स एसेट को क्या करूंगा, सेल करूंगा, तो मेरे फिक्स एसेट क्या होंगे, डिक्रीज. इसका कोई इफेक्ट पड़ा हमारे रेशियो पर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो एसेट आती है, है ना, ना तो फिक्स एसेट में कोई भी चीज़ यहाँ पे ना तो इक्विटी में आती है और ना तो हमारे डेट पे आती है. तो इस वजह से फिक्स एसेट के बिकने का इफेक्ट हमारे रेशियो के ऊपर नहीं पड़ेगा. और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 40,000. अब हमें यहाँ पे पता है क्या एक चीज हुई यहाँ पे, कि हमने लॉस बियर करा है यहाँ पे हमने क्या बियर करा है, लॉस. तो लॉस हमने कितने का बियर करा है, 5,000 का. अभी हमारे इक्विटी के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होता है हमारा शेयर कैपिटल, ठीक है. एक होते हैं हमारे रिजर्व्स, एक होते हैं हमारे सरप्लस. सरप्लस क्या होता है, द प्रॉफिट फ्रॉम आवर पीएनएल अकाउंट. मतलब कि हमारे या तो हमारा लॉस होगा पीएनएल अकाउंट में से, या तो हमारा प्रॉफिट होगा पीएनएल अकाउंट में से. यहां पे हमें बताया कि हमें लॉस हो रहा है. अब ये लॉस हम लोग वहां पे भी शो करते हैं ना, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट, ठीक है. तो ये 5,000 का हमारा लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये 5,000 का लॉस हमारे इस सरप्लस को इफेक्ट करेगा, और सरप्लस में हमारा क्या होगा, डिक्रीजमेंट. अगर सरप्लस में हो रहा है ना, तो फिर डिक्रीजमेंट हमारा इक्विटी में भी डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है. तो अगर हम लोग सेम दोबारा से इसको लेकर के जाएंगे तो रेशियो के अंदर आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है. तो इसके अंदर हमने वापस ले लिया 200/100, ठीक है. अब अगर मेरे को, अगर मैंने बेचे अपने, मान लो मैंने अपने 100 रुपये के एसेट को बेचा 50 रुपये, मैंने बियर करा 50 रुपये का लॉस. 50 रुपये का लॉस करूंगा, मतलब यहाँ पे सरप्लस में से जो लॉस हो रहा है उसको क्या कर दूंगा, माइनस, ठीक है. क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, तो क्या होगा, 200/100 माइनस 50 रुपये का लॉस, ठीक है. कितना आया, 200/50 डिवाइड करा कितना आ रहा है, 4:1. मतलब कि अगर मेरी इक्विटी कम हो रही है यहाँ पे, और अगर मैं अपनी एसेट्स को बेच रहा हूँ लॉस पे, मतलब इक्विटी हो रही है कम मेरी, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से इंक्रीज, ठीक है. फिर हम आते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 40,000 for 50,000. अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे उल्टा हो गया. यहाँ पे हमने अपने फिक्स एसेट को बेचा, मगर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया 10,000 का. तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, सेम बात है, हमारा सरप्लस बढ़ जाएगा. सरप्लस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी. अब अगर हमारी इक्विटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमें नीचे वाले में डिनोमिनेटर में ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. अब मैं डिनोमिनेटर में मान लो, तो अगर मैं अपने फिक्स एसेट को बेचूंगा यहाँ पे, प्रॉफिट बेच रहा हूँ यहाँ पे, और मान लो मेरे फिक्स एसेट कितने थे,
100 रुपए के मैंने बेच जाऊंगा 150 रुपए में, 150 रुपए में बेचूंगा तो क्या होगा मेरा 50 का क्या होगा प्रॉफिट, 50 रुपए मैंने नीचे अपने डिनोमिनेटर में ऐड कर दिए है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या इक्विटी है ना, और जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरा सरप्लस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मेरा इक्विटी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका है ना, तो इसका टोटल क्या आएगा 200 ओवर 150। तो अब मैंने इसको कैंसिल करा आगे, ये डिवाइड करा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 1 point something कुछ इस टू वन, अभी मेरा 2:1 था, 2 से 1 point something कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली मेरा रेशियो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज, ठीक है, रेशियो क्या हो गया डिक्रीज, मतलब कि अगर मैं अपनी फिगर्स को बेचूंगा प्रॉफिट पे, मतलब मेरी इक्विटी बढ़ गई, मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा इंक्रीज। मतलब कि जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे होंगे सिंपली एक स्टैंडर्ड रेशियो ले लेते हैं 200 ओवर 100 का, इसमें ऐड माइनस करते जाएंगे अपने हिसाब से सोच करके इफेक्ट को, और अपना आंसर यहाँ पे पता कर लेंगे कि रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। अभी हमने न्यू शेयर इश्यू करे तो क्या होगा, हमारे कैश आएंगे, कैश हमारा क्या होता है करंट एसेट। अब अगर हमारा करंट एसेट बढ़ रहा है तो हमारा ना तो डेट पे इफेक्ट पड़ेगा ना इक्विटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा कैश आने से। बट हमने यहाँ पे क्या चीज इशू करी है, हमने अपने शेयर इशू करे हैं, तो अगर हम लोग शेयर इशू करेंगे तो हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं अपने रेशियो को, कितना 200 ओवर 100 इक्विटी, मान लो मैंने 50 रुपए के शेयर इशू करे हैं तो 200 ओवर 150, ठीक है, सेम कितना आएगा 1 point something is to 1 कुछ आएगा। अब 2:1 से 1 point something हो गया, मतलब कि क्या हुआ हमारा रेशियो हो गया डिक्रीज। तो अगर मैं अपने न्यू शेयर इशू करूंगा है ना और मेरे पास कैश आ रहा तो है ना, तो फिर कैश के आने का इफेक्ट तो होगा नहीं यहाँ पे, बट जो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ उससे मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी। अब मेरी इक्विटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा मेरे रेशियो के अंदर, और अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है डिक्रीजमेंट, कि अगर हम लोग न्यू शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि हम लोग है ना, क्योंकि हम लोग अपनी इक्विटी बढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब कि मेरी कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे। अब बोनस शेयर हम लोग कब इशू करते हैं, जब मेरी क्या रिटेन्ड अर्निंग, मेरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे शेयर होल्डर बोलेंगे तुम्हारे पास इतना सारा कैश पड़ा है, ना तो तुम हमको अच्छा डिविडेंड देते हो और ना तो तुम लोग हमको और शेयर इशू करते हो एज अ बोनस शेयर, तो फिर मेरे को एट लास्ट में उनको बोनस शेयर देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं उनको बोनस शेयर दूंगा तो अपने रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ अमाउंट ना तो मैं यहाँ पे कुछ पे करूँगा ना तो यहाँ पे कुछ रिसीव करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने उनको बस अपनी शेयर, अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग दे दी, उनके शेयर्स बढ़ गए कंपनी में है ना, मतलब उनका ओनरशिप जो थी वो हल्की सी बढ़ गई है ना, क्योंकि मैंने उनको बोनस शेयर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैश रिसीव करा है नहीं, क्योंकि ये बोनस शेयर जब मैं इशू करूँगा तो उन, तो फिर मेरे शेयर होल्डर्स को मेरे को कोई भी कैश नहीं देना पड़ेगा, तो मेरे ना मेरा यहाँ पे कैश बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं शेयर्स को इशू करूँगा तो मेरे शेयर्स बढ़ जाएंगे, अगर मेरे शेयर्स बढ़ रहे हैं मतलब मेरी इक्विटी, इक्विटी क्या हो जाएगी इंक्रीज, और अगर मेरी इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो अब रेशियो में आ जाते दोबारा से, ठीक है। रेशियो कितना ले लेते हम लोग 200 ओवर 100, इक्विटी मान लो हम लोगों ने इस बार 100 रुपए के बोनस शेयर इशू करे, 100 रुपए मतलब 200 ओवर, अभी मान लो अल्टीमेटली मेरी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी अगर मेरे शेयर्स बढ़ेंगे तो। तो अब हम लोग सीधा इसमें आते हैं रेशियो के अंदर, इक्विटी इंक्रीज हो तो रेशियो का क्या होगा, ले लिया हमने स्टैंडर्ड रेशियो क्या 200 ओवर 100, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अपने रेशियो पे, मतलब कि अगर हमारी डेट 2 times हमारी इक्विटी के तो हमें 2 times का रेशियो लेना पड़ेगा, अगर हमने 100 ओवर 100 का तो हम वो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो हो जाता, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी इक्विटी जब बढ़ाएंगे तो मान लो इस बार मैंने 100 रुपए के बोनस शेयर इशू करें टोटल, तो मेरी इक्विटी 100 रुपए से बढ़ गई मतलब 200 हो गई, ठीक है, कैंसिल करा कितना आएगा 1:1, तो रेशियो के यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज। अगर मैं मतलब क्या आया कि अगर मैं अपने बोनस शेयर इशू करूंगा तो मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे पास शेयर्स आएंगे, ठीक है, और अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं मेरी इक्विटी बढ़ रही है तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है मतलब कि इस साल में अगर मेरे को अपने डिबेंचर्स रिडीम करने तो मैं क्या करूंगा, उनको अपने लॉन्ग टर्म डेट से निकाल करके कहाँ लेके आऊंगा, करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो अगर अपने डेट में से निकालूंगा तो मेरा डेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मेरे को 100 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने थे, स्टैंडर्ड रेशियो ले लेते हैं
कितने का 200/100। अगर मेरे को 100 रुपए के डिबेंचर्स करने रिडीम, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने डेट, मतलब कि जब मैं उस साल में अपने लॉन्ग टर्म डेट से अपने रिडीमेबल डिबेंचर्स को लेकर के आऊंगा अपने करंट लाइबिलिटीज में अंडर द हेड ऑफ करंट पोर्शन ऑफ डेट पेबल, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 100 रुपए माइनस अपने डेट में से, तो क्या हो जाएगा 200 - 100/100 कितना आया 100/100, कैंसिल कर दिया, कितना है 1:1। मतलब कि अगर मैं अपने डिबेंचर रिडीम कर रहा हूँ, मेरे डेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे डेट रिड्यूस हो रहे हैं, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। फिर हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब कि मेरे डिबेंचर्स थे उनको मैंने चेंज कर दिया किसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो अगर मैं अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये रहे मेरे क्या डेट और ये रहे मेरे क्या इक्विटी, क्या डेट और इक्विटी। यहाँ पे डेट में आते हैं मेरे डिबेंचर्स, ठीक है, इक्विटी में आते हैं क्या, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपने डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर में, जब कन्वर्ट करूंगा मेरे डिबेंचर्स क्या होंगे, डिक्रीज, मतलब मेरा डेट हो गया डिक्रीज। और जब मैं उन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरे इक्विटी शेयर्स होंगे इंक्रीज, क्योंकि इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं तो मेरी ओवरऑल इक्विटी भी हो जाएगी इंक्रीज। तो अब रेशियो में आते हैं, ठीक है, रेशियो में क्या होगा, 200/100 ले लिया। मान लो मैंने क्या करा, 100 रुपए के डिबेंचर्स मैंने कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर्स में, 100 रुपए के डिबेंचर्स कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, डेट में से पहले क्या करूंगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि मेरे डेट यहाँ पे डिबेंचर डिक्रीज हो रहे हैं, अल्टीमेटली डेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 200 में से 100 माइनस करे तो क्या बचा मेरा 100, बट मेरे इक्विटी बढ़ गए 100 रुपए से, इक्विटी मतलब 100 रुपए के डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए इक्विटी शेयर में, तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर बढ़े तो फिर अल्टीमेटली इक्विटी भी इंक्रीज हो गई, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करा हमने इनको, 0-0 कैंसिल, क्या आया 0.5:1, मतलब कि अगर मैं अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट भी कर रहा हूँ अपने इक्विटी शेयर्स में तो मेरा क्या हो रहा है, डेट डिक्रीज हो रहा है और मेरी इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा हो रहा तो मेरा क्या होगा, रेशियो डिक्रीज। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, मतलब कि मैंने अपने फाइनल डिविडेंड को देने का डिक्लेयर कर दिया कि मैं तुमको इतना फाइनल डिविडेंड दूंगा। तो जब मैं अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करता हूँ तो नॉर्मली कंपनी में क्या होता है कि मेरे जो शेयर होल्डर फंड के अंदर अपने किसके अंदर, रिजर्व के अंदर मैंने जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के अंदर अमाउंट अलग से निकाला हुआ था, ठीक है, अलग से निकाला हुआ था, उसमें से जब मैंने फाइनल डिविडेंड मैंने बता दिया, प्रॉमिस कर दिया कि मैं इतना फाइनल डिविडेंड पे करूंगा, तो मेरा उधर से रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा मतलब कि मेरी इक्विटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट जब मैं यहां से हटाऊंगा तो मेरे ये लाइबिलिटी एज अ फाइनल डिविडेंड मेरा लॉन्ग टर्म डेट में नहीं जाएगा, यहाँ ये जाएगा मेरे किसके अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर, क्योंकि हम लोग करंट लाइबिलिटी के अंदर एज डिविडेंड पेबल दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे डेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा रेशियो के, डेट ओवर इक्विटी में, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे रेशियो के अंदर डेट ओवर इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, नो इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि इक्विटी पे तो पड़ रहा बट मेरे डेट पे नहीं पड़ रहा। इक्विटी पे क्या पड़ रहा है कि मैंने अपने रिजर्व में से जो अमाउंट आफ्टर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में निकाल रखा था, ठीक है, एज अ रिजर्व, वो मेरा क्या हो जाएगा, कम, मतलब मेरी अल्टीमेटली इक्विटी क्या हो जाएगी, कम, इक्विटी कम हो रही है तो रेशियो में वापस आते स्टैंडर्ड रेशियो में कितना, 200/100। अब मान लो मेरे को 50 रुपए का रिटर्न देना था, 50 रुपए के रिटर्न में क्या करूंगा, मैं अपना इक्विटी में से रिजर्व हटाऊंगा, ठीक है, तो 200 इक्विटी से माइनस करें, 50 बचा, ठीक है, कितना आया, 4:1, मतलब कि रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज, अगर मैं अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ तो। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमें यहाँ पे अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें लॉन्ग टर्म डेट, तो यहाँ पे तो इस बैलेंस शीट के अंदर एक जगह पे दे रखा है हमें लॉन्ग टर्म डेट, क्या नॉन करेंट लाइबिलिटी, कितना कितना अमाउंट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहां पे निकालते हैं डेट, ठीक है, कितना अमाउंट दे रखा है हमको, एक को दे रखा है 15 लाख, एक दे रखा है हमको 2,85,000, कितना हो गया 17,85,000, मतलब कि मेरी टोटल डेट इस कंपनी की
कितनी है 17,85,000। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होता है डेट के साथ में, एक चाहिए होती है इक्विटी। इक्विटी में मेरा क्या क्या दे रखा है, तो इक्विटी में मेरे को दे रखा है मेरे शेयर कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर मैं अपनी इक्विटी में जाऊंगा टोटल कितना अमाउंट होगा मेरे पास, यहाँ पर भी इक्विटी में कितना है मेरे पास 15 लाख है एज अ शेयर कैपिटल। ठीक है, और साथ में क्या है मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने का, बट रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, मतलब क्या यहाँ पे लॉस, तो लॉस को मैं करूंगा माइनस 2,30,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 12,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे इक्विटी कितनी है 12,85,000। ठीक है, अब रेशियो के फॉर्मूले में आते हैं, क्या है रेशियो का फॉर्मूला, डेट ओवर इक्विटी। ठीक है, कितना होगा डेट मेरा कितना है 17,85,000। ठीक है, तो डेट मेरा कितना है 17,85,000 और मेरे इक्विटी कितनी है 12,70,000। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे इनको हम लोग, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। ठीक है, उसके बाद 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 2 10, 5 5 25, 2 ज़र आ गया, 5 4 20। तो यहाँ पर टोटल फाइनल आगे का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.40 कुछ आएगा इस टू 1।